मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज मैं आप लोगों को फिर इस क्लास वीडियो में क्लास 12th के पार्टिकुलर फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो देखे तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखे, वीडियो नंबर 2 देखे, फिर आगे के वीडियो को मैं देखते रहे, क्योंकि इससे क्या होगी कि आपको फंक्शन जैसे मैंने अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 12th की रिलेशन और फंक्शन है। और मैंने इससे पहले क्लास 12th के रिलेशन और फंक्शन के जो इसके प्री रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो देखे तो मेरी वीडियो 1 से देखिए, ठीक है। इससे फायदा होगी आप लोगों की, उसकी बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को देता हूँ हर एक वीडियो में, इसलिए वो आपको जरूरी है। तो पार्टिकुलर किसी भी चैप्टर को देखिए, जैसे वीडियो मैंने अभी मैं ये वीडियो नंबर 2 दे रहा हूँ, पार्टिकुलर 3 दे रहा हूँ वीडियो नंबर, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो आप पहले उस 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आप डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। तो चलते हैं हम लोग क्लास 12th के फंक्शन के बारे में। मैंने क्लास इसे पिछले वाले चैप्टर में इसे पिछले वाले वीडियो में फंक्शन के बारे में बताया था, फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताया था। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन इज नथिंग जस्ट लाइक अ स्पेशल केस ऑफ अ रिलेशन। और उसके बाद मैं उसको कई एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि हम लोग कैसे चेक आउट करेंगे कि गिवन रिलेशन जो दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं, तो उसकी चेक आउट करने के मैंने तरीके बताए थे, ठीक। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया था, ये आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया था, फिर आपको स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन के बारे में, इस तरह से मैंने कई टाइप्स के फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताए थे। फिर जाकर के हम लोग अंतिम में अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में शॉर्टकट में डिस्कस किए थे, क्योंकि मुझे पार्टिकुलर क्लास 12th के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि फंक्शन जो होते मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो अब हम लोग पार्टिकुलर क्लास 12th के फंक्शन के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में हम लोग जाते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे तो सिमिलर एज क्लास, वो बहुत ही हेल्पफुल हम लोग के लिए वो होगी क्लास 12th के फंक्शन को अंडरस्टैंडिंग करने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 12th के फंक्शन का स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक। तो हम लोग क्लास 12th में फंक्शन जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिख रही है, तो क्लास 12th में जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं सेम फंक्शन वही है, बट इसमें हम लोग 3-4 टाइप के फंक्शन बढ़ जाते हैं, जिसमें कि मेरा आता है 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन, मैनुअल फंक्शन, इनटू फंक्शन, उसके बाद बायजेक्टिव फंक्शन, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद फाइनली हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद मेरा फंक्शन क्लियर हो जाता है। तो मेरी 5-6 वीडियो में आप लोगों को फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर कर जाएगी। तो मेरे सबसे पहले वीडियो में जो फंक्शन की मैं आपको अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ वो है मेरा कि फंक्शन में जो हम लोग जो अभी पढ़ाई करेंगे वो ये पढ़ाई करेंगे कि जो मेरी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, जो मेरी फंक्शन अभी दिया हुआ है कि इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली फंक्शन के उन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1-1 फंक्शन। तो देखिए 1-1 फंक्शन क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूं। 1-1 फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड टू बी 1-1 if every image of a to b लीजिए या real to real लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे पार्टिकुलरली रियल टू रियल हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है क्लास 12th में वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे सेट लेते हैं वो ओनली कंसिडर करते हैं रियल नंबर का। तो फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड टू बी 1-1 इफ एवरी इमेज ऑफ, और आप बी ले लीजिए तो अच्छा रहेगा डेफिनेशन देने में, इज डिफाइंड टू बी 1-1 इफ एवरी इमेज ऑफ बी या ए, एवरी इमेज ऑफ ए हैविंग डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैसे फंक्शन जिसमें कि आपको सेट ए का जो भी हम लोग को इमेज मिलता है, तो एवरी इमेज ऑफ ए, ए का जो भी इमेज है, ए का जो भी इमेज है उसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए, प्री इमेज हैविंग डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन ए। या हम लोग ऐसे बोले कि बी का जितना भी एलिमेंट है, बी का ऑल एलिमेंट्स
all elements should be associates distinct elements of set A. तो इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट इज all elements of B, all elements of B associates distinct elements of A. तो वैसे फंक्शन जिसका क्या करता है, जिसमें कि सेट B का एवरी एलिमेंट जो होता है सेट A के एलिमेंट को डिस्टिंक्टली मैप करता है, तो उस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं. तो वो मेरा हो गया वन वन फंक्शन. दैट मीन्स इस तरह से हम लोग समझे कि ए फंक्शन अप्रोप्रिएट टू बी डिफाइंड टू बी वन वन फंक्शन इफ एवरी इमेज ऑफ ए हैविंग डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन ए. मतलब क्या, ए का जितना भी एलिमेंट है इमेज जो है उसमें मिला है उसका डिस्टिंक्ट प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए. दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एसोसिएट्स डिस्टिंक्टली ऑफ ए. तो ए के एवरी इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एमेज लिखा गया सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन बी. इसका मतलब दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ऑल नहीं सम एलिमेंट्स ऑफ बी लिखिए सम एलिमेंट्स दैट इज ऑल. इसको छोड़ दीजिए सॉरी, मैंने वहां पे सोचा क्या ये वन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस करा था इसलिए वो डेफिनेशन लिखा गया. तो मैंने क्या बताया, ए फंक्शन अप्रोप्रिएट टू बी सेट इज डिफाइंड टू बी वन वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के हर एक एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन बी में. बी में जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए. तो ये डेफिनेशन है, मैंने वन टू फंक्शन को देख करके इसको डेफिनेशन लिख दिया. ठीक, तो ये मेरी वन वन फंक्शन भी. अब मैं कुछ इसके एग्जांपल्स देता हूं. देखो, यदि मैं कोई सेट ए लू और कोई सेट बी लू और एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं एफ वन, यहां पे ले लेता हूं मान लिया वन टू थ्री और इधर ले लिया ए बी सी और भी ले सकता हूं ले लिया डी. अब मैं एसोसिएट करता हूं वन ए से करता है, टू सी से करता है, थ्री बी से करता है. तो मैं ये पूछता हूं कि एफ वन 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 फंक्शन है कि नहीं. तो मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया है कि यानी फंक्शन एफ वन बी वन वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का हर एक एलिमेंट का जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए किसमें, बी में. तो देखिए तो वन ए में, टू सी में, थ्री बी से एसोसिएट करता है. तो डेफिनेटली रूप से ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में क्या डिस्टिंक्ट इमेज है. सो ये मेरा फंक्शन जो हो गया वो वन वन फंक्शन हो गया. फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं, एक सेट इधर ले लिया मान लिया ए, दूसरे सेट इधर मैं बी ले लिया, इसके एलिमेंट्स को मैं वन टू थ्री ले लिया और इसके एलिमेंट्स को मैं ए बी सी ले लिया. वन सी से एसोसिएट करता है, टू ए से एसोसिएट करता है, थ्री बी से एसोसिएट करता है. तो क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है? हाँ, क्योंकि देखिए सेट ए का ईच एलिमेंट जो है वो सेट बी के ईच एलिमेंट से डिस्टिंक्टली क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है. सो इसी में F2 से नाम दू तो F2 इज ऑल्सो ए वन वन फंक्शन. क्लियर हो गया? अब देखिए यदि ये वन वन फंक्शन, मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इधर देख लो. चलो मैं इसे मिटाता हूं, फिर जाकर के आप लोग को तीसरा एग्जांपल देता हूं. ठीक, सिमिलर में हम लोग को जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, अब देखो मैं इसको मिटाता हूं सबसे पहले. इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट यह भी है, अच्छा पहले इसको मैं देख लेता हूं, इसके और भी कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें. अगला मैं तीसरा लेता हूं, यदि कोई फंक्शन ले लिया वन टू थ्री सॉरी सेट ए और एक सेट बी ले लिया ए बी सी डी और वन यदि सी से एसोसिएट कर रहा है, टू यदि ए से एसोसिएट कर रहा है, थ्री यदि बी से एसोसिएट कर रहा है, तो यदि मैं इसका नाम एफ थ्री दू इधर ई भी देता हूं, तो क्या एफ थ्री एक वन वन फंक्शन है? हाँ, क्योंकि देखिए सेट ए का इच एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से डिस्टिंक्टली क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं. That means so F3 is a one one function. तो यदि ये F3 one one function हो गया, अब देखिए उसी definition में आप लोग आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा, ये आपका होगी one one function के पाचन, उसी definition में आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा. Otherwise, जहां तक मैंने लिखाया उस definition में उसके बाद otherwise F is called
अदरवाइज सच अ फंक्शन अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मैनुअल फंक्शन। इसका मतलब हुआ क्या कि ये मैनुअल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो जो फंक्शन जो वन वन है वो तो वन वन होगा ही, लेकिन दैट मीन्स वो फंक्शन जिसके सेट ए का एलिमेंट जो फंक्शन जहां से सेट ए टू सेट बी यदि डिफाइन किया गया और यदि सेट ए के इच एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ डिस्टिंक्टली एसोसिएट करता है तो वो फंक्शन वो वन वन फंक्शन होगी। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो वो फंक्शन मैनुअल हो जाएगी, और वो जब मैनुअल हो जाएगी तो करने का मतलब वो यदि वन वन नहीं है तो वो क्या करेगा मैनुअल फंक्शन। तो मैनुअल का फंक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं हुआ, तो दो फंक्शन विच इज नॉट ए वन वन इज कॉल्ड मैनुअल फंक्शन। तो जैसे कि मैं इसी में एक एग्जांपल लेता हूं मैनुअल फंक्शन का, फिर आप लोग को समझ में आइए। चलो मैं एक सेट यहां पे ले लेता हूं। अब इसका एलिमेंट मैं लिया ए बी सी और इसका ले लिया 1 2 3 4। अब देखो ए जो है ठीक टू से भी एसोसिएट कर रहा है और वन से भी एसोसिएट कर रहा है, सॉरी उल्टा लिख रहा है, बी जो है वो वन से भी एसोसिएट कर रहा है और ए भी वन से एसोसिएट कर रहा है, सी जो है वो टू से एसोसिएट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि सेट ए का ए और बी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी की एक ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो मैनुअल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, तो जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होते हैं वो हमेशा क्या होता है मैनुअल फंक्शन होते हैं। एक नोट में और भी आप लोग लिख लीजिएगा, वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल फंक्शन। तो जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है वो मैनुअल फंक्शन कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। एंड इफ वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या लिखा रहा है सॉरी वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अब देखिए ये वर्ड जो है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब आप लोग एक बहुत ही सिंपल इंजेक्शन वर्ड सुने होंगे जो हम लोग इसको कहने के तौर यूज अपने डेटा डेवलप में बहुत ज्यादा करते हैं जो मेडिसिन वगैरह में इंजेक्शन। तो इंजेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है कि एक इंजेक्शन को हम लोग एक ही आदमी को दे सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक इंजेक्शन एक ही पर्सन को दिया जा सकता है, जस्ट लाइक एक एलिमेंट एक ही अदर एलिमेंट से मतलब सेट एक एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट कर सकता है, सेट बी फिर सेट ए के दूसरा एलिमेंट फिर सेट बी के किसी दूसरे एलिमेंट से एसोसिएट कर सकता है, बट लेकिन सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट कर सिमिलर भी इस वर्ड से ही बना, इसलिए इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग वन वन और मैनी वन फंक्शन समझ गए। अब हम लोग कैसे जांच करेंगे कि दिया गया फंक्शन वन वन है। तो अब हम लोग सबसे पहले वन वन समझ गए, अब हम लोग चेक आउट करना सीखते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है कैसे। तो मैं उसका स्टेप बता रहा हूं, ठीक, तो आपको समझ में आएगी कि कैसे आप लोग चेक करते हैं। तो लिखता हूं चेक आउट गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो सबसे पहले यदि मैं मान लेता हूं वो फंक्शन मेरा ए से भी डिफाइन है, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि वो दिया गया फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है लेट कोई दो वेरिएबल ले लूंगा एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इट एल्सो इफ इट एल्सो इंप्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू देन स्टेप एक ही लाइन हो जाएगी देन एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। अदरवाइज एफ एक्स इज मैनुअल फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले किसी क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे।
सबसे पहले जो फंक्शन जहां से जहां तक डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है, तो फर्स्टली वी लेट टू एलिमेंट्स एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मानने पर यदि वो इंप्लाई कर दे कि एक्स वन बराबर एक्स टू एज सो, देन एफ एक्स इज वन वन फंक्शन, अदरवाइज एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को चेकआउट करने का ये तरीके हो गए। आप लोग समझिए, मैं एग्जांपल से इसको बताऊंगा। इससे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं अभी पहले वन टू फंक्शन के डेफिनेशन को बताता हूँ, फिर आप लोग को वन वन फंक्शन और इसके एग्जांपल्स कई एग्जांपल्स का चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं वन मैनी वन फंक्शन का डेफिनेशन बताता हूँ कि मैनी वन फंक्शन होती क्या है। सॉरी, मैनी वन कहता हूँ वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन इसकी डेफिनेशन होता है ए फंक्शन f from a to b is defined to be one to function if image of f एप का जो मुझे इमेज है एसोसिएट्स एवरी इमेज ऑफ एप और ए भी लिख सकते हैं, चलेगा ठीक। एवरी इमेज ऑफ ए एसोसिएट्स एवरी इमेज ऑफ एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए डिस्टिंक्टली। तो सबसे पहले इसमें क्या बताता है, डिस्टिंक्टली बोलूं कि वन टू फंक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें बताता है इसके डेफिनेशन में कि यदि कोई सेट मैं ले लूं बी ए, कोई यदि फंक्शन फ्रॉम एफ टू ए टू बी डिफाइन है और सेट बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि फंक्शन एफ फ्रॉम एफ टू बी डिफाइन टू बी ए वन टू फंक्शन इफ एवरी इमेज ऑफ ए का हर एक इमेज जो है एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के एलिमेंट से वो एसोसिएट करना चाहिए। तो ये जो हो जाती है वो मेरा वन टू फंक्शन के डेफिनेशन हो जाती है। मैं इसके एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको पता चलेगा। वन टू थ्री ए बी सी डी ये इस तरह से एसोसिएट होती है। वन टू थ्री ले लिया और इधर मैं बी सी ले लेता हूं। तो यहां पे क्या देखता हूं, यहां पे देख रहा हूं कि सेट ए का सेट बी का जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट से क्या कर रहा है एसोसिएट कर रहा है। तो इसे मैं वन टू फंक्शन करूंगा, मतलब इसका जितना भी एलिमेंट है, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखता था तो इसमें सेट बी का कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं भी करता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वन टू फंक्शन होने के लिए सेट बी के हर एक एलिमेंट्स को सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो फंक्शन डिफाइन होती है, दैट मींस वन टू फंक्शन के फॉर्म में। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आप लोग देखते रहिए कि ये जो फंक्शन मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर, उसके बाद एक एग्जाम्पल ए बी सी में लेता हूँ। देखो यदि मैं इसका एफ थ्री नाम दू
और ये इस तरह से एसोसिएट करता है। ठीक, देखो तो क्या एफ थ्री वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो आप देखिए कि उस सेट में जो मेरी सेट ए है और ये मेरी सेट बी है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या है एसोसिएट करते हैं, इसको ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की एक ही पहचान है कि डेफिनेटली रूप से इमेज जो होनी चाहिए वो प्री इमेज के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट करनी चाहिए। दैट मींस ऑल एलिमेंट से एसोसिएट करके, यदि ऑल एलिमेंट से एसोसिएट नहीं करोगे तो वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगी। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस केस में यहां पर हम यह भी बोल सकते हैं कि इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए वन टू फंक्शन, देन आप देखते हैं कि यदि वो ऑन टू फंक्शन हो जाती है तो इस फंक्शन की जो रेंज होती है इसके कोडोमेन के बराबर हो जाती है, क्योंकि रेंज का मतलब होता है कि उसमें इनपुट देने पर जो जो मुझे आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन की गई है, जैसे मान लीजिए यदि f3 को लू तो फंक्शन f3 कहां से कहां डिफाइन किया, ए टू बी, तो बी में जो जो मुझे एलिमेंट्स ए बी सी है उसका तो हर एक एलिमेंट से एसोसिएट कर दिया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है। जब वो हर एक एलिमेंट से एसोसिएट कर दिया तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा कि इसका जो कोडोमेन है वो कौन है, f3 का बी, और बी का ही बी इस फंक्शन का क्या हो रहा है रेंज भी हो रहा है, क्योंकि बी रेंज में मैं देख रहा हूँ कि वो सारे एलिमेंट्स एसोसिएट कर रहे हैं, दैट मींस एबीसी सारे एलिमेंट्स, सो ये f3 है। ऑन टू फंक्शन दैट मींस f फ्रॉम a टू b इज ऑन टू फंक्शन, देन रेंज ऑफ f जो होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। इसको स्टार को बना के रखना, यही हम लोग के लिए यूजफुल रहेगा कि किसी भी फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे कि वो मेरी वन टू फंक्शन है। तो जब भी आपको वन टू फंक्शन चेक करनी हो तो उसका रूल्स यह है कि उस फंक्शन को हम लोग वाई मान लेंगे, और वाई मानने के बाद हम लोग एक्स का मान वाई के बने, एक्स का जो वैल्यू है वो वाई के टर्म्स में निकालूंगा, और यदि फॉर एवरी एक्स के लिए यदि वाई का वैल्यू मुझे कहने का मतलब उसके कोडोमेन में जाता है तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ ये एक फंक्शन दैट मीन्स वन टू फंक्शन है। ठीक, जो फंक्शन वन टू नहीं है वो मेरा इन टू फंक्शन कहलाता है। तो मैं उसे बताता हूँ, फंक्शन विच इज नॉट ए वन टू फंक्शन, मैं इसे मिटाता हूँ, ए फंक्शन which is not a an onto a onto function is into function, onto function is also called surjective function। तो जो function वन टू नहीं होती है उसे हम लोग इंटू के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो आप लोगों को मैंने function की जो basic definition है इंटू ऑन टू वन वन और मैनुअल वो बता दिया। अब यदि मुझे ऑन टू फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो उसकी तरीका है कि यदि आपका इफ हमने शुरू में ही बता दिया कि यदि रेंज ऑफ फंक्शन उसके कोडोमेन के बराबर आ जाए तो वह फंक्शन जो होती है हमेशा ऑन टू फंक्शन होती है। किसी फंक्शन को चेकआउट करना तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए, अब मैं इसे मिटाता हूं। अब मैं आप लोगों के एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स के एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि वन वन और वन टू को हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे वो आपको बता रहे हैं। एग्जांपल्स आपका एक चीज और है, एग्जांपल्स बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए इसमें पहले आपका बाइजेक्टिव फंक्शन लिखे, बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन, बट बहुत इजी है। देखिए किसको कहते हैं, ए फंक्शन विच इज
वन वन एंड ऑन टू बोथ इज कॉल्ड बायजेक्टिव फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों होती है वो बायजेक्टिव कहलाती है। तो सबसे पहले यदि आपको चेक करना बायजेक्टिविटी किसी भी फंक्शन के लिए, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले वन वन चेक करनी होगी और फिर जाकर के ऑन टू फंक्शन होगी। और दोनों में से यदि कोई भी फंक्शन नहीं होती है, जैसे मान लिया कि फंक्शन मैंने चेक किया और वन वन नहीं हो रही है बट वन टू हो रही है, तो वो बायजेक्टिव नहीं होगी क्योंकि दोनों नेसेसरी उसकी कंडीशन है। ठीक, और यदि वो वन टू होती है और वन वन नहीं होती तो भी वो बायजेक्टिव नहीं होगी। ठीक, या दोनों वन टू या वन वन नहीं होती तब तो कभी होगी ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप लोग याद रखना है कि बायजेक्टिव फंक्शन को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग वन वन और वन टू चेक करें, उसके बाद ही हम लोग बताएंगे कि दिया गया फंक्शन वन वन है या वन टू है। अब देखिए एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा अपने अपने बुक में एनसीईआरटी के, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल से, बहुत ही गुड एग्जाम्पल से इसके। उस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। तो एक फंक्शन देखो डिफाइन किया गया है ए टू एन, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, और इसमें बता दिया है कि ये जो डिफाइन है वो कलेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। क्लास 10th के 50 स्टूडेंट के कलेक्शन है और एन जो है वो मेरे दिए हुए नेचुरल नंबर्स, और मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि यदि यह डिफाइन एफ फ्रॉम ए टू एन है, ठीक, और एफ एक्स जो है वो डेफिनेशन में दिया गया है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है। तो यदि इस सेट का एलिमेंट देता हूं तो मुझे एफ एक्स मिलती है, और एफ एक्स जो होती है वो एन के इक्वल होती है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर जो है उससे होती है। तो मैं आपसे लोगों से सवाल करूंगा, देखिए क्लास में आप यदि देखते होंगे तो एक स्टूडेंट का, यदि मैं कोई स्टूडेंट ले लूं सेट ए का कई एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स ले लूं, तो सबसे पहले मुझे चेक करना वन वन चेक करना, तो वन वन के बारे में बताता हूं। यदि मैं कोई क्लास में ए ले लिया, इधर में एन ले लिया, इधर एन में तो बहुत सारा नंबर रहेगा, बहुत सारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 बहुत दूर तक रहेगा, और ए में कोई स्टूडेंट मान लिया ए बी सी सभी स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली रूप से हर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या होगा, अलग अलग आएगी आएगी कि नहीं, हर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर अलग। क्या एक ही स्टूडेंट का क्लास में दो रोल नंबर हो सकती है, मतलब वन बी और टू बी, वन बी थ्री बी, कभी नहीं हो सकती है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेट ए टू एन जो डिफाइन की गई है नेचुरल नंबर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएट्स कर रहा है। सो एफ फ्रॉम ए टू एन जो गिवन फंक्शन दी गई है वो एक वन वन फंक्शन है। अब मैं यदि यहाँ पे कंसिडर करके उसके बाद मैं लिख दूंगा तो फिर क्लियर होगा। और यदि यहाँ पे मैं यदि वन टू चेक करूं तो नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, वन टू इनफाइनाइट तक चले जाएगी, मतलब 50 50, 1 2 3 4 5 20 50 51 52 53 44 बहुत दूर तक चले जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेट ए में जो स्टूडेंट्स है वो केवल कितने स्टूडेंट्स है, 50 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स है, तो 50 एलिमेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, तो ये रोल नंबर कहां तक लाइज कर सकते हैं, कहां तक एसोसिएट कर सकते हैं, 50 तक स्टूडेंट एसोसिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर में तो मेरे इनफाइनाइट नंबर से, तो 50 के बाद भी नंबर आ सकते हैं, तो नेचुरल नंबर में 50 के बाद जब नंबर आ सकते हैं तो फिर वो तो इस सेट के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं करेगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स तो एक ही सेट से, दो यानी का नेचुरल नंबर का दो एलिमेंट जो दो रोल नंबर एक ही स्टूडेंट का तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग का जो यहाँ का इस सेट एन का जो मुझे सेट मिल रहा है वो क्या है, इस एन का, यदि इस एन का मैं जैसे 1 to 50 लिया, 50 से मैं 51 लेता हूँ, तो 51 डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे बोल सकता 51 इज नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ ग्रुप ए। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब ये किसी स्टूडेंट का ग्रुप नहीं होगा तो हम लोग डेफिनेटली रूप से बोलेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ पे देखेंगे कि 51 जो है किसी भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर नहीं है,
तो किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर 51 नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि यह फंक्शन मतलब 51 जो है इस ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट उससे एसोसिएट नहीं करा, सो एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स एफ इज ए इन टू फंक्शन। तो अब मैं इसके बारे में लिख देता हूँ लैंग्वेज में, उसके बाद आप लोगों को समझ जाएगा। देखिए इसे मिटाता हूँ, इतना उतार लेना 51 में, ये नीचे वाला छोड़ देना फिगर, क्योंकि नीचे वाला ऐसे ही बना दिया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं इस तरह से, नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैविंग सेम रोल नंबर, इस तरह से बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं ए1 ए2 डॉट 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 ए 50, बट इधर जो मैं सेट लूंगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 51 डॉट 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 999 डॉट 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 इनफिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, ए1 इससे एसोसिएट करेगा, ए2 इससे एसोसिएट करेगा, ए3 ए50 ए50 से एसोसिएट करेगा, लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट्स है बीच बीच में हेल्प करते हैं इस तरह से, इसके बाद के जो एलिमेंट्स है और इसो यहाँ पे इतना लिख लीजिए, सो एफ इज 1-1 फंक्शन बट यहां तक हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इसके ऑन टू के बारे में, ऑन टू के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिएगा 51 बिलोंग्स टू एन बट देयर इज नो एनी स्टूडेंट इन सेट ए हुज रोल नंबर इज 51, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स एफ इज इन टू फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था जो फंक्शन ऑन टू नहीं होती है वो इन टू होती है। तो यहां पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जिसका रोल नंबर 51 हो, तो कि सेट ए में 50 स्टूडेंट्स ही है, और सेट बी जो मुझे नेचुरल नंबर दी उसमें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ना, 51 से भी ज्यादा आ सकते हैं, उसमें ये तो नहीं पता है कि 1 टू 50 केवल कलेक्शन ऑफ रियल नेचुरल नंबर्स है। तो इसलिए हम लोग ये आप जो अभी मेरे 1-1 फंक्शन है बट नॉट ए 1-2 फंक्शन है। अब मैं अगले एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, चलिए देखिए उसके बाद आप लोगों को फिर समझ में आए। अगले एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल एट में बताता है कि ये फंक्शन विच इज डिफाइंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बताता है कि फंक्शन की डेफिनेशन कहां से कहां तक है, वो कहां से कहां फंक्शन डिफाइन की इस बात को समझना जरूरी होता है। तो ये मैंने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन की है और एफ एक्स बराबर टू एक्स दी गई है। तो इसमें सवाल पूछती है कि एफ एक्स इज 1-1 बट नॉट 1-2, प्रूफ करना है कि यह 1-1 है बट नॉट ऑन टू, ये प्रूफ करने मुझे। तो इसके प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था, लेट आप लिख लीजिए 1-1, तो मैंने बताया था लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इफ इट एल्सो इंप्लाइज इफ, अच्छा एफ एक्स वन एक्स टू देन वी हैव टू शो दैट एक्स वन बराबर एक्स टू, तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स वन बराबर एक्स टू, क्योंकि यदि वो एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाती है तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगी 1-1 फंक्शन हो जाएगी। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मैंने माना, तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पर एक्स वन डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा 2x1 बराबर इधर क्या होगा 2x2 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2 ये गेट x1 बराबर x2, सो fx
वन वन फंक्शन, क्या हो गया वन वन फंक्शन। अब देखिए ऑन टू हम लोग चेक करते हैं तब फिर आप लोग को पता चलेगा, इसको मिटा देते हैं। ऑन टू फंक्शन के बारे में देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं सबसे पहले, किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए उसको जनरल प्रोसेस दी जाती है, लेकिन यदि उसको आपको डिसप्रूव करना है कि यह नहीं है, तो आप यदि कोई क्रिटिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं या कोई काउंटर एग्जांपल्स ले लेते हैं जो उस कंडीशन को, उस डेफिनेशन को सर्टिस्फाई नहीं करते, तो उस एग्जाम्पल्स के द्वारा आप बता सकते हैं कि इट इज नॉट ए वन टू फंक्शन। और मैंने की कोई भी चीज डिसप्रूव करनी हो तो आप काउंटर एग्जाम्पल से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं देखिए बताता हूं, ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे लेट, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स बराबर वाई, एफ एक्स टू एक्स इज इक्वल टू वाई, विच इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू वाई बाय टू। तो एक्स बराबर वाई बाय टू आती है इफ y इज इक्वल टू, मैं वन लेता हूं तो वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट यदि मैं y का वैल्यू वन लेता हूं, y वन क्या है इसकी इमेज, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो उसी से तो मैंने लिया। तो यदि मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूं तो x वी गेट वन बाय टू विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x जो होना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे बताया गया है नेचुरल नंबर इसके कोडोमेन है, तो ये पर तो यदि मैं y बराबर वन लेता हूं ये तो रेंज में नहीं जा रही है, इससे एक रेंज से एक एलिमेंट क्या एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब देर आर मैनी एलिमेंट्स दैट एक्सक्लूड फ्रॉम नेचुरल नंबर, बट वी यूज ए काउंटर एग्जांपल से बस वन के लिए, मैं वन को चेक करके देख रहा हूं, उसके बाद खुद ब खुद जो होगी सपना बाद में दिखेगी। यदि एक ही बात गलत हो जाती है तो पूरा बात गलत हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी मॉडरेट चीज नहीं होती, बीच की चीज नहीं होती, या तो कंप्लीट रूप से ट्रू या फॉल्स, यदि एक भी एग्जांपल उसको फॉल्स करती है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होती है। तो मैं देख रहा हूं कि यदि मैं y बराबर 1 लेता हूं तो x बराबर भी तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए, बट ये क्या हो गया 1 बाय 2 डज नॉट बिलोंग टू यार, सो रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ कोडोमेन, सो f इज नॉट ए, नीचे में आप लोग को दिख रही है ठीक, यहां पे ऊपर में भी लिख लीजिए, सो इधर लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं, सो एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। आप लोगों को ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया, चलिए अब ऑन टू फंक्शन के बाद फिर आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं नेक्स्ट बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन दी गई है देखिए बताता हूं, इसका ग्राफिकल स्टडी भी मैं कर सकता हूं, ग्राफ के द्वारा किसी भी फंक्शन को वन वन और वन टू चेक करना बहुत इजी होता है। इसी क्वेश्चन में मैं ग्राफिकल स्टडी करता हूं, ये एफ एक्स बराबर टू एक्स है, यदि एफ एक्स बराबर टू एक्स का मैं ग्राफ खींचू तो इस तरह से कुछ जाएगी वो ग्राफ, यदि वो ग्राफ इस तरह से जाती है तो वन के लिए क्या देगी टू, टू के लिए क्या देगी फोर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट करेगी और सारा का सारा वो क्या देगी नेचुरल नंबर देगी। तो सो हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर टू एक्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज ए वन वन फंक्शन। बट अब वन टू चेक करता हूं तो इससे ऑन टू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, मतलब काउंटर एग्जांपल लेकर आप समझ नहीं पाएंगे तब तक ग्राफिकली इसको नहीं समझ सकते हैं। तो यदि मैं देखो इसमें तो बहुत सारे नंबर आएंगे, तो यदि मैं इस लाइन पे वन ले लू, इस लाइन पे यदि वन ले लू तो वन के लिए भी तो कोई ना कोई इधर मेरा क्या होना चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या होती है वन बाय टू विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो आपको मैंने ग्राफिकल भी बता दिया, अब मैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम क्वेश्चन है केवल ये कोडोमेन और रेंज को चेंज कर दिया, एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x और चेक करना है कि 1 1 और 1 2 दोनों है ठीक। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे हम लोग 1 1 चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं लेट
x1 and x2 belongs to R such that fx1 बराबर fx2 if it also implies that then we have to show that x1 बराबर x2 that means fx1 बराबर fx2 यदि हो जाती मैं मानूं और उसके बाद यदि वो x1 बराबर x2 इसके और भी दो तीन तरीके से मैं बना सकता हूं बट ये वो सब सिंपलेस्ट इसलिए मैं इसी का चर्चा करता हूं कि यदि fx1 बराबर fx2 मानो और वो यदि x1 बराबर x2 दे दे तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन जो क्या वन वन फंक्शन है तो fx1 जो मुझे दी गई है वो क्या देगी fx1 बराबर fx2 व्हिच इंप्लाइज दैट x1 बराबर 2x2 2 टू कैंसिल व्हिच आल्सो इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 सो f फ्रॉम रियल टू रियल इज ए 1-1 क्या मैंने 1-1 चेक कर लिया यदि मैं इस फंक्शन में 1-2 चेक करूं तो 1-2 के लिए क्या करूंगा देखो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लीजिए Let fx is equal to 2x is equal to y, where y belongs to real number. So y किससे belong करती है? Real number से belong करती है. In this case, 2x is equal to y, that is x is equal to y by 2. तो यहाँ पे देखता हूँ कि चूंकि y belongs to real number, so y by 2 also belongs to real number. That means x also belongs to real number. और x यदि real number से belong कर जाती है, तो इसका मतलब क्या है? कि y by 2 यदि रियल नंबर से मतलब x से किसी भी वैल्यू के लिए y by 2 दैट मींस y जो है वो रियल नंबर से ही एसोसिएट करती है इसका मतलब क्या हुआ क्लियरली इधर से मैं लिखता हूं रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन के बराबर है क्योंकि देखिए आप x से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y का जो मुझे वैल्यू मिल रही है मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि y का यदि मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो वो x से किसी ना किसी एलिमेंट से क्या कर रहा है एसोसिएट कर रहा है मैं y का कोई भी रियल नंबर ले रहा हूं तो वो x से किसी ना किसी से एसोसिएट कर रहा है कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा 1 पुट करूं माइनस 1 3 2 5 कुछ भी दे दूं तो x से कोई ना कोई वैल्यू तो रियल नंबर मिलेगी तो इसलिए क्या होगी और x से कोई ना कोई मिलेगी मतलब रियल नंबर मिलेगी इसलिए क्या होगी रेंज बराबर जो होगी वो कोडोमेन होगी सो f इज ऑन टू फंक्शन अब इसको ग्राफिकल स्टडी सिमिलर वे कर सकते हैं तो कैसे होगी देखिए यदि मैं इस तरह से इसकी ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं यहां देख रहा हूं कि हर एक रियल नंबर के लिए एक कोरेस्पोंडिंग रियल नंबर मुझे मिल ही रही है दूसरी बात कि इसकी रेंज जो है कहां से कहां तक है रेंज जो वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सारे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब अब सारे रियल नंबर इसके रेंज है और इसकी कोडोमेन में भी मुझे रियल नंबर दी गई है इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगी ऑन टू फंक्शन मैं अगला एक फिर एग्जाम्पल बता रहा हूं देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन जो डिफाइन की गई है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है उसके बाद बता गई है एफ1 बराबर एफ2 बराबर 1 एफ1 बराबर एफ2 बराबर 1 एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1-1 अब कहता है फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 2 प्रूफ करना है कि यह फंक्शन 1-1 इज ऑन टू बट नॉट 1-1 मतलब कि यह ऑन टू है बट 1-1 नहीं है यदि मैं 1-1 चेक करूं तो कहेंगे देखिए सबसे पहली बात है कि एफ वन बराबर एफ टू बराबर 1 सिंस आपको बेसिक डेफिनेशन जो मैंने कंसेप्ट से बताया था वेयर एरो डायग्राम से तो उसमें बोला था कि सेट ए के 1-1 होने के लिए सेट ए के इच एलिमेंट सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए बट यहाँ पे देखिए
कि वन वन को भी एसोसिएट कर रहा है, टू भी वन को एसोसिएट कर रहा है, तो सेट ए के टू डिफरेंट एलिमेंट्स से, सेट बी के एक ही एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो यहां पर बोले हैं क्लियरली वन एंड टू हैविंग सेम इमेज, सो एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब ये पूछती है दूसरा में कि ये एक वन टू फंक्शन है, प्रूफ करना है। तो इतनी चीज मुझे दी गई है। अब यहां पे एफ वन बराबर एफ टू बराबर वन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में मैं ऐसा करूं, इसमें डाल कर वन टू चेक करूं, वन वन हो गया मुझे। वन टू चेक करने के लिए मैं ऐसा करूं, लेट एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू और बराबर यदि वाई कर दूं, तो डेफिनेटली वेयर वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक्स बराबर क्या होगा, y प्लस वन। तो यदि y एक नेचुरल नंबर है, सिंस y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो y प्लस वन एल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो y प्लस वन में क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, यदि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी दैट इंप्लाइज एल्सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ कि y के हर एक एलिमेंट्स के लिए, मतलब y के जो मुझे n दिया हुआ है वो n एक नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट कर, उसके लिए हर एक नेचुरल नंबर वो डिफाइंड है। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या होगी, ये जो फंक्शन होगी जो डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 9 में, यह एक ऑन टू फंक्शन है बट नॉट ए वन वन फंक्शन। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन यदि वन वन हो तो वन टू भी होगा, या कोई यह भी जरूरी है कि यदि कोई फंक्शन वन टू है तो वो वन वन भी होगा। चलिए तो अब मैं एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ही थी जो मैंने भी बताया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 का चर्चा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा हूं, ये बता रहा है कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर कहता कि मुझे शो करना है किस नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। चलो मैंने बताया कि इसको आप काउंटर एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, रूल्स का यूज करें। हम लोग लिखेंगे लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू किससे, इस पार्ट से रियल नंबर, एंड एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, देन वी हैव टू इंप्लाई दैट एक्स वन बराबर एक्स टू, देन एफ एक्स इज ए वन वन फंक्शन। तो मैं यहां पे इस चीज को लिखता हूं, चूंकि अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू विच इज इक्वल टू एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर, इंप्लाई दैट एक्स वन इधर ये आ जाएगी तो क्या होगी। ये स्टेप भूल से भी नहीं मत कीजिएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, जो कि आप लोग को चेक करने में बहुत खतरनाक साबित होगी। यदि एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर होता है, और आप बहुत सा डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगा सकते, उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ रूट्स डिक्रीज करते हैं, ठीक। इसलिए इसे मत कीजिएगा, इसको लेफ्ट में आया कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। इस केस में एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर या तो जीरो होगा, एंड एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो होगी। ये यदि जीरो होती है तो एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू एज वेल एज एक्स वन बराबर एक्स टू। तो यहाँ पे दो दो कंडीशन, मतलब एक ही एलिमेंट से एक्स वन और एक्स वन दो दो बी के, मतलब एक्स टू और एक्स टू दोनों के मैप कर रही है, तो दोनों एलिमेंट्स को तो मैप नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या हो गया, यह वन वन फंक्शन नहीं, क्योंकि देखो एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो दो कंडीशन आ रहे हैं।
एक्स वन वाला माइनस एक्स टू भी हो रहा है और एक्स वन वाला एक्स टू भी हो रहा है, तो इसे भी डिफाइन नहीं है, दैट मींस एफ एक्स इक्वल टू अननोन फंक्शन नहीं है, तो यहां लिख दीजिए यहां तक लिख लिया। सो एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन। अब हम लोग वन टू चेक करें तो लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो इस केस में मैं एक्स बराबर क्या ऑप्टेन करूंगा, अंडर रूट टू वाई, अंडर रूट टू वाई ऑप्टेन करता हूं तो देखो एक्स जो है मुझे रियल नंबर से लाइक करती है, एक्स मेरे रियल नंबर से लाइक करती है, तो हम लोग जानते हैं क्लियरली रूट अंडर वाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर देगी, बट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मींस रियल नंबर में या यहां पे देख रहा हूं कि एक्स का मान तो रिलेटिव भी हो सकती है, लेकिन अंडर रूट वाई तो हमेशा एक रियल नंबर देगी, जबकि मेरा कोडोमेन जो है क्या है, तो यहां से क्या स्पष्ट पता चला कि यहां पे पता चलता है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो मेरा पॉजिटिव रियल नंबर मुझे मिल रही है, जबकि कोडोमेन जो है मेरा वो ऑल रियल नंबर मिल रही है, दैट मींस कोडोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज ऑफ फंक्शन, सो एफ एक्स इज नॉट ए वन वन फंक्शन, सॉरी वन में कहता हूं वन टू फंक्शन। अब देखिए मैं इसका ऐसा भी चर्चा करता हूं, इससे अपने ही समझे तो आप ग्राफ से समझिए, फिर ये बहुत सिंपल था, अब मैं ग्राफ से बताता हूं, ग्राफ से बहुत इजी होता है कि यदि मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो मेरी ग्राफ कैसी जाएगी, मेरी ग्राफ जो कि कुछ इस तरह से जाएगी, तो आप देखिए एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप पुट करते हैं तो क्या हो रही है, एफ एक्स को जो मुझे वैल्यू मिल रही है, मीन्स वाई की जो वैल्यू मिल रही है वो ऑनली पॉजिटिव रियल नंबर मिल रही है, ऊपर से ही मिल रही है, तो ऊपर ही मिल रही है, तो इस केस में क्या हो रही है कि रेंज जो मैंने क्या बोले कि सेट ए के दैट मींस डोमेन के लिए जो कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हुई मुझे मिलती है वही तो मेरी रेंज होती है, तो ये जो रेंज है वो क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू रियल नंबर दैट मींस कोडोमेन, सो एफ एक्स इज नॉट ए वन टू फंक्शन। ओके अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 का चर्चा करता हूं, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में कि एफ एक्स दो तरह से डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और इसके दो पार्ट एफ एक्स का डेफिनेशन है इस तरह से कि एक्स प्लस वन तब होगा जब एक्स बिलोंग्स टू ऑड होगा, और एक्स माइनस वन तब लूंगा फंक्शन इफ एक्स बिलोंग्स टू इवन होगा, ये चीज होगी। अब यहां पर प्रूफ करना किया वन वन और वन टू दोनों फंक्शन है, बहुत ही फर्क पहले हम लोग ऑड के लिए करता हूं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ऑड लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यदि एफ एक्स वन बराबर एक्स टू होगा तो ऑड के किस में इसे अप्लाई करूंगा, वन वन कैंसिल हो गया तो यहां पर मुझे क्या मिले एक्स वन बराबर एक्स टू, यदि मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू आ गई सो चलिए सो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू ऑड इज ए वन वन फंक्शन, क्या हो गई वन वन फंक्शन हो गया। अब मुझे यदि इसमें वन टू चेक करना है, इसमें मैं वन टू यदि चेक करूं, यदि आप समझ गए तो मिटाता हूं, तो यदि मैं वन टू चेक करूं तो क्या होगा कि यदि मैं ऐसा करूं लेट एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन मान लो, सॉरी वाई मान लो, तो यहां पे क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन, तो यहां पे मेरी वाई क्या है एक नेचुरल नंबर है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि मैं नेचुरल नंबर लेता तो एक्स का तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही मुझे मिल रही है, सो क्लियरली वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू ऑड
इज ए अच्छा इसमें क्या लिख लीजिए, इसमें आप बार बार में लिखता हूँ, इसमें भी लिख लीजिए रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया कोडोमेन। सो एफ एक्स एक्स प्लस वन इज ए वन टू फंक्शन। सिमिलरली हम लोग एफ एक्स और एक्स माइनस वन के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो इसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि एफ एक्स और एक्स माइनस वन मान लेंगे तो इसलिए हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आप लोग लिख लीजिए सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग्स टू इवन, एक्स बिलोंग्स टू इवन देन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन इज ऑल्सो वन वन एंड वन टू फंक्शन। हो गया, चलिए मिटाता हूं मैं, फिर से मैं आप अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए बता रहा है एक फंक्शन है, देखिए एक फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम वन टू थ्री से वन टू थ्री, क्वेश्चन नंबर 13 एफ इज डिफाइन फ्रॉम वन टू थ्री टू वन टू थ्री देन वी हैव टू शो दैट इट इज ऑलवेज वन वन। अच्छा दिया हुआ है एफ इज ए वन टू फंक्शन, क्या एफ इज ए वन टू फंक्शन। अब एफ जो वन टू फंक्शन थे मुझे प्रूफ करना है कि यह एक वन वन भी होगा इस कंडीशन में, इसका प्रूफ करने का तरीका है कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसीजर है। एफ इज मुझे प्रूफ करना है कि वन वन है तो मैं मान लिया कि मैन्युअल है, मैन्युअल फंक्शन। यदि एफ वन एक मैन्युअल फंक्शन होगा देन देयर एग्जिस्ट, देखिए इसका इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट then there exists one and two in domain one and two में क्या होगा one and two क्या in domain such that that associates an element even तो डेफिनेटली रूप से जब ये एक मैन्युअल फंक्शन होगा तो इसमें दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट हैं वो डेफिनेटली रूप से दो क्या तीन भी हो सकते हैं, बट हम लोग दो पॉसिबिलिटी के लिए मान लें कि दो एलिमेंट्स क्या होगा निश्चित रूप से इसके किसी एक ना एक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। अब उसके बाद यदि दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट करता है तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा वो भी किसी ना किसी सेट से वो एसोसिएट करेगा। देन थ्री ऑल्सो एसोसिएट्स वन एलिमेंट ऑफ बी और वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, किसी एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से वो क्या करेगा एसोसिएट करेगा। तो इस केस में क्या होता है देन इसका मैं डिग्राम बना लेता हूं, ये मेरी वन टू थ्री है और यहां पर भी वन टू थ्री, मैंने बोला कि वन और टू दोनों ये वन को मैप करिए थ्री टू को मैप करिए, तो इस केस में मैं क्या देख रहा हूं कि थ्री जो है सेट बी में वो बच जा रही है। तो इसका मतलब क्या मैंने मैन्युअल माना, जब इसे मैंने मैन्युअल माना तो ये क्या कर रही है वन टू तो पहले से मैं जानता हूं कि है और मैन्युअल माना तो मैंने क्या किया मैंने वन मांगा तो मुझे पता चल रही कि ये वन टू भी नहीं हो रही है जबकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि ये फंक्शन क्या है वन टू फंक्शन है। तो मैं जब ऑलरेडी जानता हूं कि फैक्ट जो मेरी वन टू फंक्शन है और मैंने जो सपोजिशन किया कि एक मैन्युअल फंक्शन है जिसकी वजह से ये क्या हुई गलत रिजल्ट दे रही है। यदि ये गलत रिजल्ट देती है इसका मतलब क्या हो सकती है कि डेफिनेटली रूप से हम लोगों ने जो सपोजिशन किया है वो गलत किया है। इसका मतलब क्या है दैट कंट्राडिक्ट्स
और 1 2, ये क्या कर रही है, ये हम 1 2 हम लोग के लिए भी कंट्राडिक्ट कर रही है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड एफएक्स इज 1 1 फंक्शन। हो गया, चलिए ये भी हो गया। मैं पे क्वेश्चन इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जांपल्स का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एग्जांपल 14 ये बता रहा कि ये जो फंक्शन है वो 1 2 1 2 3 2 1 2 3 डिफाइंड है, और यदि 1 2 3 2 1 2 3 डिफाइंड है तो इसके कंडीशंस है कि ये जो फंक्शन है एंड f इज 1 1 फंक्शन, देन वी हैव टू सो दैट f इज आल्सो 1 2। तो यदि ये f फंक्शन, यदि 1 1 फंक्शन है तो मुझे प्रूफ करना कि f इज आल्सो ए 1 2 फंक्शन। तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो बहुत ही सिंपल, यदि 1 2 3 दैट मीन्स ये इस तरह से डिफाइंड है और 1 1 फंक्शन है, सिंस f इज ए 1 1 फंक्शन, यदि f मेरी 1 1 फंक्शन है तो डेफिनेटली रूप से क्या होगी कि इसके इच एलिमेंट सेट, इसको मैं सेट ए मानू और इसे सेट बी मानू, तो सेट ए के इच एलिमेंट जो होंगे वो सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएट करेंगे। यदि वो एसोसिएट करेंगे जस्ट लाइक क्या हुआ, यदि 1 1 से करता है 2 2 से, यदि 1 1 से करता है तो 1 किसी और से नहीं कर सकता क्योंकि 1 1 का तो यही डेफिनेशन मैंने बताया। फिर यदि 1 मान लिया कि 1 2 से कर जाते हैं तो कोई और एलिमेंट 2 से एसोसिएट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 1 फंक्शन, सो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, और दोनों सेट जो है मेरी डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो 1 1 किसी 3 एलिमेंट्स इसमें भी है, एंड सिंस वी ऑब्जर्व दैट कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, या मैं ऐसे बोलूं कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है सेट बी की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेट ए 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट्स है, इसलिए मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करता है और सेट बी में इस तरह से। सो एफ इज 1 1 फंक्शन, हो ये प्रूफ। चलिए तो यहां तक आप लोग का फंक्शन के जितने मैंने एग्जांपल्स थे वो प्रूफ करके बता दिया। अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे और उसमें बताएंगे जितने भी एग्जांपल्स हैं एक एक एग्जांपल्स। ठीक, आप लोग यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी समझने में किसी भी टर्म्स में तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाले और मैं निश्चित रूप से उसमें सुधार करके आप लोगों को फिर से बताऊंगा। ठीक, और आप लोग कोशिश करें कि जितनी भी मेरी वीडियो देखे तो कृपया करके मेरे फर्स्ट वीडियो से देखिए। यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखते हैं तो आप मैं जिस टॉपिक से भी वीडियो अपलोड करता हूं उसे कंप्लीटली रूप से डील कर देता हूं, क्योंकि होता क्या है कि यदि मैं कंसेप्ट देता हूं तो हर एक टर्म से पूरी डिटेल से कंप्लीट करके खत्म कर देता हूं। तो आप लोग यदि मेरी एक एक टर्म को मतलब पहले वीडियो से देखना आरंभ करते हैं तो आप कंप्लीट रूप से मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझिएगा, और फिर भी नहीं समझे तो आप निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसमें और ज्यादा से ज्यादा सुधार करके दूं। इसी के साथ मैं फिर आप लोगों को अपने रिलेशन फंक्शन क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन की चौथी वीडियो में पुनः आप लोगों के सामने मैं आऊंगा और उसमें फिर मैं
चैप्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फंक्शन की चैप्टर जो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझे, ठीक, तो ज्यादा फायदा होगा यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या आप यदि चाहते हैं कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ सकूं और क्लास ट्वेल्थ को कम से कम पढ़ाऊं, तो आप लोग अच्छे से निश्चित रूप से पढ़ाई करें, ठीक। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक। बाय ऑल ऑफ यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।